नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन को शुक्रवार को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने एक्टर अमिताभ बच्चन और एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे पर रोक लगाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। आखिर क्यों? बिग बी की फिल्म विवादों में थी, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की 27 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म चेहरे पर रोक लगाए जाने की मांग अब खारिज कर दी है। आपको बता दें कि कॉपीराइट विवाद में फिल्म को रिलीज किए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। कॉपीराइट विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका उदय प्रकाश की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। ये फैसला जस्टिस जे कुमार की बेंच ने सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में उदय प्रकाश की ओर से कहा गया कि फिल्म चेहरे उनकी कॉपीराइट की हुई कहानी पर आधारित है। ये फिल्म कॉपीराइट एक्ट का सीधा उल्लंघन है, लिहाजा इसके रिलीज होने पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट निर्देश जारी करे। लगातार 3 दिनों तक हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा कि गाजियाबाद की अदालत में कॉपीराइट का मुकदमा चलता रहेगा। कोर्ट ने कहा कि गाजियाबाद में दायर मुकदमे के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता आगे इस मामले में हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म चेहरे में बिग बी अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी अहम भूमिका में हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने वकील का किरदार निभाया है, जबकि इमरान हाशमी बिजनेस टाइकून बने हैं। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद पंडित और डायरेक्टर रूमी जाफरी को पक्षकार बनाया गया था। हालांकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से उदय प्रकाश की अर्जी का विरोध किया गया था। हाईकोर्ट से अर्जी निस्तारित होने के बाद फिल्म के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट के फैसला सुनाने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने राहत की सांस ली है। 27 अगस्त को रिलीज हुई चेहरे फिल्म में अमिताभ बच्चन वकील की भूमिका में हैं, जबकि इमरान हाशमी बिजनेस टाइकून के तौर पर नजर आ रहे हैं। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से चर्चाओं में आई रिया चक्रवर्ती के साथ ही रघुवीर यादव, अन्नू कपूर, कृति खरबंदा और क्रिस्टल डिसूजा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।